हे गाइस, आपका स्वागत है वॉच रियल्म के एक और वीडियो में। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, रिसेंटली तो बहुत ही मैसिव न्यूज मिले हैं, जिसमें से एक है कि रैन गॉसलिंग मार्वल यूनिवर्स ज्वाइन करने वाले हैं। एंड दूसरा न्यूज है थॉर लव एंड थंडर के बारे में कि जो मेजर कैमियोस कट हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, पहले बात करते हैं रैन गॉसलिंग के बारे में। तो गाइस, मल्टीपल सोर्सेज से ये रिपोर्ट हुआ है कि रैन गॉसलिंग एमसीयू ज्वाइन करने वाले हैं। एंड पहली बार जिसने इसे रिपोर्ट किया था वो थे जायंट फ्रीकिंग रोबोट। एंड यूजुअली तो उनके रिपोर्ट्स आइदर हिट एंड मिस होते हैं, बट रिसेंटली उनके मल्टीपल रिपोर्ट्स सही निकले थे, लाइक एंसन माउंट का वापस आना ब्लैक बोल्ट बनके। एंड हरक्यूलिस के कास्टिंग के बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया था कि ब्रेड गोल्स्टन हरक्यूलिस बनने वाले हैं, एंड ये भी उनका सही निकला था। सो आई थिंक इसके भी डिसेंट चांसेस है कि ये भी सही निकल सकता है। और अब बात करें कि रैन गॉसलिंग कौन से रोल को प्ले कर सकते हैं, तो गाइस जेफर ने ये भी बोला है कि रैन गॉसलिंग रिचर्ड राइडर को प्ले कर सकते हैं, जिसे हम नोवा भी कह सकते हैं। एंड ऑनेस्टली आई थिंक ये रोल उनपे फिट भी करेगा। देन इस रिपोर्ट को और सॉलिडिफाई करने के लिए एक और सोर्स ड्यूक्स मॉय ने भी ये सेम रिपोर्ट किया है कि रैन गॉसलिंग एमसीयू के प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसकी फिल्मिंग अगले साल स्टार्ट होगी। एंड एक्सीडेंटली नोवा की भी फिल्मिंग अगले साल स्टार्ट होनी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देन गाइस, अगला न्यूज है थॉर लव एंड थंडर के बारे में। तो गाइस, क्रिस्टन बेल जो कि गॉर द गॉड बुचर प्ले कर रहे हैं थॉर लव एंड थंडर में, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि पीटर डिंकलेज एंड जेफ गोल्डब्लम मूवी के एक अर्ली कट में थे, बट उनके रोल्स मूवी के फाइनल कट से हटा दिए गए हैं। एंड क्रिस्टन बेल ने भी बोला कि उनके साथ उन्हें काम करके बहुत मजा आया, तो इसका मतलब गॉर का एट्रियन ग्रैंड मास्टर के साथ एक सीन था एंड प्रोबेबली उसमें गॉर इन दोनों को मारने वाला होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये सीन में नहीं दिखने वाला। देन गाइस, थर्ड कैमियो जो कट हुआ है वो है लीना हेडी का। तो गाइस, वैरायटी से ये रिपोर्ट आया है कि लीना हेडी को उनके फॉर्मर एजेंसी ने 1.5 मिलियन के लिए सू कर दिया है, और उनका रोल ऑफिशियली थॉर लव एंड थंडर से कट हो गया है। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से वो एक फॉर्मर वैल्किरी बनने वाली थी, बट अब वो भी हमें नहीं देखने मिलेगा। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। एंड आपके क्या थॉट्स है रैन गॉसलिंग के रूमर्ड रोल के बारे में, ये मुझे जरूर बताएं। एंड मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।